हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट गाइड गुरु। दोस्तों, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए बहुत सारे बेहतरीन एप्लीकेशंस हमें यूज करने को मिल जाते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि काश ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके यूज कर सके, जैसे कि काइन मास्टर या जियो टीवी, व्हाट्सएप या गेम्स में देखिए फ्री फायर। तो दोस्तों, अगर आपको ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक सॉल्यूशन जिससे आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब ब्राउजर ओपन करके वहां पर टाइप करना है ब्लूस्टैक्स। तो ब्लूस्टैक का वेबसाइट यहां पर फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डाउनलोड ब्लूस्टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इसे डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो अब ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, इसे रन करना है हमें। तो अभी हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है, इसे करीबन 30-45 मिनट्स लगते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम ओपन करेंगे ब्लूस्टैक्स को। दोस्तों, ब्लूस्टैक में आने के बाद आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपना लॉगिन कर लेना है, जिससे कि आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सके। तो ये मोबाइल की तरह बिल्कुल इसका इंटरफेस है, तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशंस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जियो टीवी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखेंगे। जियो टीवी इंस्टॉल करने के बाद हम कोई भी टीवी चैनल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो जियो टीवी का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों, अपने जियो मोबाइल से हमें लॉगिन करना होगा। वेरी नाइस। तो देखिए दोस्तों, जियो टीवी का एप्लीकेशन अभी हमने अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मोबाइल की तरह ये एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम यूज कर रहे हैं। जियो टीवी या कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन
अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ करने में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस सॉफ्टवेयर से। दोस्तों पबजी गेम तो अभी इंडिया में बैन हो चुका है, पर कोई बात नहीं, हम फ्री फायर का गेम इंस्टॉल करके उसे यूज़ करके रन करके देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों मोबाइल पर बहुत सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन्हें लैपटॉप या कंप्यूटर पर खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो ब्लूस्टैक इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी गेम आपका मनपसंदीदा जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथ ऑपरेटिंग से यहाँ पर खेल सकते हैं। दोस्तों गेम शुरू हो चुका है, देखिए बहुत ही स्मूथ यहाँ पर गेम ऑपरेटिंग हो रहा है। दोस्तों फ्री फायर गेम के लिए ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो देखिए बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है और इजीली ऑपरेट हो रहा है, कहीं पर भी लैग आपको नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों और एक एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करके यूज़ करके देखेंगे, फोटो कॉलेज का एप्लीकेशन हम अभी यूज़ करेंगे। मोबाइल की तरह सेम यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पर ब्लूस्टैक में मिलेगा। तो देखिए कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप बहुत सारे ऐसे यूजफुल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।